हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल परी ब्लॉग 786। आज मैं गांव की स्टाइल का आपको मिर्ची के भज्जे बता रही हूँ, जो चीरे हुए और मसाले भरे हुए, बहुत ही यमी है, टेस्टी है। ज़रूर ये वीडियो फुल वॉच करा कीजिए और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और लाइक करिए, शेयर करिए। बारिश के दिन है, आप इस तरह मिर्ची के भज्जे बना के खाएंगे तो आपको मज़ा आएगा। मिर्ची के भज्जे के क्या क्या इंग्रेडिएंट्स रहेंगे और मिर्ची किस तरह काटते हैं ये सब बताते हैं। और बहुत ही फ्रेश मिर्ची भज्जे की तैयारियां कर रहे हैं, तो इसमें हमने जो हरी मिर्च रहती है, जो भज्जे की बड़ी जाड़ी, वो लिए है। और उसको कटिंग किस तरह की है बताओ, कटिंग वाला उसको स्लाइस में हमने कट किया है, जो कि यूं ऐसा है, स्लाइस में हम उसको काट लेंगे। अब हम बनाते हैं ना मिर्ची भजिए, लेकिन हम अलग से बनाएंगे क्योंकि ये हमारी खट्टी वाली रेसिपी है। ये भजिया शायद आपने नहीं खाया होगा, ये इसे न्यू स्टाइल से, मतलब हमारे बच्चे खाते नहीं हैं मिर्ची तेज होने की वजह से, अगर आपको भी इसका टेस्ट फीका पड़ जाता है, इसलिए हम इसको खट्टा वाला टेस्ट देंगे, जिससे हमारे भजिए और भी ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। और बारिश के टाइम पे आप इसको करके खा सकते हैं, जिससे आपको बहुत मज़ा आने वाला है। क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लिए, देखिए ये मिर्ची है स्लाइस ऐसी काटी हुई, इमली लिए है, लहसुन है, ये तिल है, जीरा, नमक और हम काली तिल का इस्तेमाल करेंगे, जो हमारे बाजार में बिकने आती है वाइट वाली तिल, वो उसे टेस्ट नहीं आता, जिससे हम ये कहीं भी मिल जाती है, कोई भी दुकान में मिल जाती है या डीमार्ट्स में वगैरह मिल जाती है, हम ऐसी काली तिल लेंगे गाँव जैसी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये अभी हमने काट के, हमें पूरे काट के बना दिए हैं। हाँ, स्लाइस बना के। कितना बेसन लेंगे इसमें हम, हमारे मिर्च चने का आटा है, चने का आटा है जो आपको चक्की पर बताया गया था, दाल उसी का ही हमने आटा करा हुआ है, हमारे घर का आटा है ये। चक्की पे दाल बनाए फिर घर में ही पीसे है, सब घर में ही हुआ है ये। इतनी मिर्ची को आपको घर का बताने का मकसद ये है कि आज भी इसके ऊपर किया जाता है। हम पहले शुरू बोलते थे ना कि पहले चक्की पर बनाते थे, करते थे, इसका मतलब सिर्फ आपको ये बताना है कि चक्की पे आज भी है चक्की। आप सिटी वालों को नहीं मालूम तो, लेकिन विलेज में आकर देखिए आप, चक्की पे आज भी होता है ये, हमने सब इसे चक्की पर ही किया हुआ है। अभी नमक स्वाद अनुसार आपको जितना टेस्ट, और इसमें हम अजवाइन डालेंगे थोड़ी सी, क्योंकि अजवाइन से टेस्ट हमारा बहुत ही अच्छा आने वाला है। इसे यूं घस कर क्रश करके डालेंगे ना आप, तो और भी ज्यादा अच्छा लगेगा ये, क्योंकि इसकी सब खुशबू जो है अजवाइन की, इसके अंदर पूरे अच्छे से मिक्स हो जाती है। अगर हम वैसे ही डाल देंगे तो ठीक है, लेकिन ऐसे क्रश करें तो बहुत ज़्यादा टेस्ट दिखने वाला है हमें। ये देखिए, फिर कोथमीर डालना है। अभी हम इसमें पानी डालेंगे और अच्छे से मिलाएंगे, एकदम अच्छे से मिलाना है हमें। 5-10 मिनट इसको फेंटना है, तो हमें इसमें सोडे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या बेकिंग पाउडर की, ऐसे ही फूकेंगे ये। मैंने आपको बताया है पहले सब, मैं हाथ से ही इसे फेंटती हूँ। और हम पानी इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। ये देखिए, अभी हम इसमें एक चुटकी हल्दी डालेंगे, बस उससे ज़्यादा नहीं डालेंगे, एक चुटकी डालेंगे। बस इतनी सी डालेंगे। ये देखिए, एकदम अच्छे से हम इसे फेटे हैं। और अभी हम इमली, लहसुन, तिल, जीरा, नमक डाल के ये सब मसालों को बिगर पानी डाले पीसेंगे। मिर्चियों को खट्टा सब ये लगा कर लेंगे, फिर हम एक साथ तेल फ्राई होने, तेल हमारा अच्छे से गर्म होने के बाद में हम इसको फ्राई करेंगे।
ये बहुत मज़ेदार लगती है क्योंकि इसमें इमली का खट्टा है तो तेज़ नहीं लगती है। और छोटे बच्चों को ख़ास तौर पे ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है क्योंकि छोटे बच्चे खट्टा बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं और वो भी उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा ये। मैं थोड़ा टेस्ट करके देख, चटपटा मसाला लग रहा। हाँ ये हम इसको खाने के साथ भी ये मसाला खा सकते हैं, इतना यमी है। तेल अच्छे से गर्म होगा तो मिर्ची इसमें डाल के हम फ्राई करेंगे। मैंने पहले आपको चटपटी मिर्ची बताई हूँ, आप जाके मेरी वो रेसिपी भी देखिए। ये देखिए इसमें डुबो के इस तरह। देखिए कटी हुई मिर्ची को इस तरह डुबाना है। इसी तरह सब पलटाएंगे हम। अभी ये हो गई है, अभी ये बाकी के भी फ्राई कर रहे हैं, तो जब तक मैं थोड़ा टेस्ट करती हूँ। गरम गरम का टेस्ट करना ही का ही मज़ा और रहता है। पापड़ बहुत गर्म है, एकदम कुरकुरे बनी है। और जरा भी तेज नहीं लग रही है मिर्ची जी, इसकी खासियत ही चाहिए है। बहुत ही यम्मी। अब मैं ये पूरी खा रही हूँ। सब पर्पल है, नमक खट्टा सब चीज परफेक्ट है। मिर्ची हो गई है, मैंने तो इसमें से दो चार खा ली हूँ क्योंकि मैं बोली अभी गरम गरम ही खाऊंगी मैं। वैसे तो बाद में ठंडे में भी अच्छा लगता लेकिन मेरा दिल नहीं माना। आपको ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और वीडियो फुल वॉच किया कीजिए और रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए और कमेंट्स में ज़रूर लिखिए आपको ये रेसिपी कैसी। दुआओं में खास याद रखिए।